हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी कोरोना वैक्सीन की डोज लग रही है। कोरोना वैक्सीन की डोज लगने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप डोज लगा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, अभी डोज लगानी चाहिए। ये कोरोना वैक्सीन से लड़ने के लिए बहुत ही सही उपाय है, इसलिए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगाएं आप। तो आज मैं आपको बताता हूँ कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। फर्स्ट, तुरंत काम पर न जाए। अगर अभी आपको काम पे जाना ही है, वैसे तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अगर आपको काम पे जाना है तो वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद न जाए। 2-3 दिन आराम करें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह लें। इसमें यह होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में कुछ आपको बुखार आ सकता है या कुछ चिड़चिड़ापन या ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, तो डॉक्टर की सलाह होती है कि आप घर पर 2-3 दिन रेस्ट करें, अपने शरीर को समय दें। सेकंड, भीड़ भाड़ इलाकों से जाने से बचें। आपने फर्स्ट डोज लगाई है तो आप हो सके कि जितना कम हो सके भीड़ भाड़ इलाकों में जाइए, और जाएं तो भी मास्क लगा के जाइए, बिना मास्क लगा के ना जाए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में आपको कोरोना संक्रमण होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हो सके, जितना हो सके भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से अवॉइड करें। थर्ड है, सिगरेट और शराब से दूरी बनाए रखें। अगर आप सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं तो आपने अगर फर्स्ट डोज लगाई है तो थोड़े दिन कृपया सिगरेट और शराब को हाथ न लगाएं, हो सकता है ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए सिगरेट और शराब से थोड़े दिन दूरी बनाए रखें। फोर्थ, डॉक्टर के संपर्क में बराबर रहें। बहुत से जनों को ऐसे साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, हल्का बुखार आना है, चिड़चिड़ापन होना, शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होना है, वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाने के बाद में ऐसा हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। डॉक्टर जो आपको दवाई मेडिसिन देवें वो आप जरूर लेवें, क्योंकि बहुत से जनों को, हालांकि अधिकतर को तो ना होता है, लेकिन बहुत से जनों को इसके साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर से साथ सलाह लें, आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। फिफ्थ, बिना मास्क लगाए हुए कभी बाहर ना जाए। आपने वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है और आप समझ रहे हो बस डोज लगा ली, अब हमें कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मास्क ही वैक्सीन का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप बिना मास्क लगाए हुए घूमोगे तो आपको वापस कोरोना संक्रमण हो सकता है, भले ही आपने फर्स्ट डोज लगाई है, इसीलिए बिना मास्क बाहर न निकले। सिक्स, हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड में आप जूस लेवें, अभी जैसे आपने डोज लगाई है उसके बाद अधिकतर तरल चीज़ें अपने शरीर के लिए लें, ज़्यादा तला भुना खाना न लें, जूस ले सकते हैं, कुछ फल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें शरीर के लिए लेवें जो आसानी से पच जाए, और पानी, बराबर पानी पीते रहें। सेवन, वर्कआउट ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद 2-3 दिन शरीर को आप आराम दें, वर्कआउट ना करें। अपने बाजू में वैक्सीन लगती है तो थोड़ा हल्का हल्का हाथ भी दर्द करता है, इसीलिए अगर आप वर्कआउट करोगे तो और ज़्यादा हो सकता है आपका हाथ दर्द करने लग जाए। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह, और अगर आप घर पर एक्सरसाइज करते हैं तो 2-3 दिन अपने शरीर को रिलैक्स दें और आराम दें। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताई हैं जो वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ आज यहीं, नमस्कार।